जन्मदिन का किसी भी इंसान दे जिंदगी विच बड़ा खास महत्व हुंदा है ते इस मौके लोग वख वख तरह दीयां पार्टियां वधाई संदेश लैके इस दिन नूं मनाउंदे हन। पर एक नौजवान जो हो लोगों लई प्रेरणा स्रोत बनया है, असीं गल करदे हां जगतार सिंह जग्गी जिसका जन्मदिन है ते उसके बेटे का भी सेम दिन ही जन्मदिन है। पर इस नौजवान वल्लों पिछले 15 साल तो खूनदान कैंप लगा के ते खुद खूनदान करके इस शुभ दिहाड़े नूं मनाया जांदा है। समुचे दोस्तों मित्रों वालों सहयोग किया जाता है। तो पिछले 15 साल तो जगतार सिंह जग्गी जो खुद एक सोशल वर्कर है, जो खुद आप का एक नौजवान आगू है, इस वालों लोगों को प्रेरणा भी दी जाती है भी अजिहे मौके पर जिथे असी पार्टियां मनाने लोगों को वधाई देने या वधाई प्राप्त करते हैं सानू समाज में बनता योगदान भी पाना चाहिए है। सत श्री अकाल दोस्तों, अज मेरा जन्मदिन है जी। परमात्मा की कृपा के जिंदगी दे 40 साल बड़े अच्छे लंघे आ। अज 41 साल का कंप्लीट मैं हो गया जी। 42वें साल मैं एंटर किया अज, तो मेरे बेटे का भी बर्थडे है। सो अज असी हमेशा ही तरह पिछले 15 साल तो जिमें उपराला चलता से खूनदान कैंप लगाया हुआ है। साडे पहले डोनर सब मेरे नाल सुखी मास्टर जी पए ने, इधर परमिंदर पहलवान जी इंटरनेशनल सोशल वर्कर ने, यह पे ने जी। सो धन्यवाद है थोड़ा न्यूज़ चैनल वाले का भी, क्योंकि अजिहे उपराले जे तुसीं कवर करते हो लोगों तक समाज में एक सेध जाती है, एक मैसेज आता भी आपां अपने जन्मदिन वाले दिन, अपने सालगिरह वाले दिन जरूर ब्लड दईए, रुख लगाइए। अज रुख लगाने का प्रोग्राम भी है, शाम को कल भी रुख लगाए जाएंगे। सो अज मैं भी 48वीं बार ब्लड जो डोनेट करूँगा। सो परमात्मा की कृपा अपने सारे बनी रहे, आपां समाज की सेवा करिए, तो हरेक व्यक्ति 3 महीने बाद खून जरूर डोनेट करे, क्योंकि थोड़े किता जो दान दिता है खून है किसी की जिंदगी बचाता है, तो कई जिंदगियां बचाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़े सारे। देखो जी, ये एक बहुत खुशी वाली गल है भी जग्गी का भी धन्यवाद है भी यह जो काम ने अपने आम लोगों की खातर जोड़े बंदे कर रहे हैं, जो कोई सोसायटिया ने जिमें अपना आत्म सोसायटी है, जो होर सोसायटिया ने जो ये खूनदान के कैंप लगा रही ने, वो एक बहुत बड़ा उपराला ये गरीब लोगों की मदद की जा सकती। तो लोग डरते हैं जी, की कहना चाहोगे खूनदान कर? नहीं, खूनदान के लोगों को कोई डरता नहीं होना चाहिए है। कम से कम जे किसी बंद खून हैगा तो वो कोई ना कोई बीमारियां ठीक ही होंगे ने, ना कि वो खून घटता वा।